हेलो फ्रेंड्स, आपका द डेली स्पेशल में स्वागत है। आज मैं आपको एक पंजाबी रेसिपी बताऊंगी जो है भटूरे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो उसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसको आप सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा को छानेंगे। ये हमने 1 किलो मैदा लिया है, इसको छान लिया है। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे लगभग आधा चम्मच। इसमें हम ये 1.5 चम्मच नमक डाल देते हैं। दही डाल लें, लगभग 1 ग्लास दही है। ये थोड़ी सी अजवाइन हम डालेंगे क्रश करके, लगभग 1 छोटी चम्मच अजवाइन है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूथेंगे। अब हम ये हमारा आटा गूंथ चुका है, इसमें लगभग 2 ग्लास पानी यूज हुआ है। अब इसको सेट होने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं ढककर। हमने मैदा ले लिया है, इसी से हम बेलेंगे लगा लगा कर। इस तरीके से हम इसका छोटा सा पार्ट लेंगे और इसकी एक लोई बना लेते हैं, चिकनी सी लोई। अब इसको हम बेलेंगे। ये मैंने कढ़ाई में रिफाइंड लिया है, आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए ये कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। अब इसको गर्म होने देते हैं, जब तक ये गर्म होता है तब तक हम उधर भटूरे बेल के तैयार करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमें ये इस तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम भटूरा सेकेंगे। तो हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये सेक गया, इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा भी सेक लेते हैं। ये भटूरा भी हमारा सिक चुका है, इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तैयार है हमारे भटूरे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।